घर के आधे लोगों को मंजूर नहीं, वो भी हो रही है सर। शादी करते समय कुंडली मत मिला, नाई को शरीर के निरीक्षण के लिए रखा जाता था और पंडित जी को अंतर मन के निरीक्षण के लिए, दोनों अंदर बाहर की चेकिंग करो। क्या जरूरत थी नाई की, क्या जरूरत है पंडित की? मियां बीवी राजी। वर कहते हैं बलवान नट वर, वर माने बलवान। अच्छा किसी लड़के को लकवा हो गया हो उसको कैसे बर बनाएगा कोई, बोल पता? लकवा हुआ पड़ा है उसे बर बनाएगा कोई? कौन दूल्हा बना लेगी, कौन पति मान लेगा, कौन क्या कर लेगा? शादी होने के बाद लकवा हो जाए तो जेल तो लेती है पत्नी, पर शादी से पहले लकवा वाले को पत्नी बनाने वाली पति वर नहीं बनेगा। इसीलिए शर्मा जी वर बनाने के लिए शरीर के प्रत्येक अंग का दर्शन पंडित करते थे। पंडित जी फिर नाई करता था, निलाते दुलाते अकेले में, चलो नवाऊंगा। अच्छा नवावे हो क्या? नवावे दूल्हा तो, पर पंडित नाई क्यों नहीं नवावे हो? क्योंकि नाई होता है थोड़ा चतुर, नाई को ड्यूटी है कुछ नवामत धुमामत देख ली हो जाए सबरी तरफ से, अंदर कहीं थोड़ा तो ना है रे जाके। हाँ बहुत बीमारी है आजकल, फंगस चल रहा है, गोल गोल सी खुजली सी है रही है, दवाओं से ठीक ना हो रही हो, और बड़ी उड़ा बीमारी है, दूसरों को भी लग जाए। नाई को शरीर के निरीक्षण के लिए रखा जाता था और पंडित जी को अंतर मन के निरीक्षण के लिए, दोनों अंदर बाहर की चेकिंग करो तब जाके शादी करो, तब ब्याह करो, फिर घर में कोई कलेश आने वाला। ये महात्मा इंद्रदेव के ही सिद्धांत है, पहचान है। क्या जरूरत थी नाई की, क्या जरूरत है पंडित की? मियां बीवी राजी। पंडित जी क्या कर रहे हैं बताओ? खूब मंत्र बोल रहे तो तलाक है, है? कितने भी मंत्र बोल ले, बस में बरात लिया चाहे कार में लिया, चाहे सबरी बोलोरो लिया, चाहे सबरी एक्स स्कॉर्पियो लिया, जो लावे सो लिया, कितनी भी फैशन कर ले, पर जब तक विचार नहीं मिलेंगे गृहस्थ चलने वाला नहीं। इसीलिए लखनऊ वालों मेरे हाथ जोड़ के एक और विनती है, शादी करते समय कुंडली मत मिलाओ, विचार मिलाओ, कुल खानदान मिलाओ, परिवार मिलाओ, रिश्तेदार मिलाओ, कम से कम 15 लोग इधर के, 15 लोग इधर के बैठे, 30 हो गए, 30 हो गए, एक विचार हो गया शादी कर लो बिना पूछे पंडित जी को, मेरी गारंटी है 100 साल तक कुछ खतरा आ जाए। 15 इधर से 15 इधर से घर के आधे लोगों को मंजूर नहीं, तो भी हो रही है सारी गड़बड़ गड़बड़। इसीलिए संसार में जहां भी लीला करो, जहां भी निवास करो, पहले बुराई खत्म करो, भगवान ऐसा कह रहे हैं।